हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम इस एक और वीडियो में। और इंडिपेंडेंस डे, और आज मैं आया हूँ लंदन ब्रिज में। तो आप ये जैसे देख सकते हैं, ये लंदन ब्रिज का नज़ारा है। सामने पे लंदन टावर ब्रिज है। तो ये वाला जो एरिया है, अभी मैं दूसरे एंड पे हूँ और मैं क्रॉस करके आपको दूसरा वाला एंड भी दिखाऊंगा। तो जिस ब्रिज पे मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, ये लंदन ब्रिज है। और मैं आपको अपने आप को भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं अपने घर से निकला था, 1 बज रहा है। तो मैं ट्रेन से आया था नेशनल रेलवे से, तो मुझे लगा है लगभग आधा घंटा से ऊपर लग गया है, 45 मिनट। तो आप ये जैसे देख सकते हो, बड़ी 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 इमारत। अब मैं आपको इसका दूसरी वाला जो दूसरा साइड है वो दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है। यहाँ का बुर्ज खलीफा, और ये यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट्स की बिल्डिंग्स भी हैं, होटल हैं 5 स्टार से लेके अच्छे अच्छे और ये टेम्स रिवर है, और ये लंदन ब्रिज। यहाँ से लंदन ब्रिज मुझे लग रहा है ये आधे घंटा होगा, आधे घंटे का 15-20 मिनट का रास्ता होगा। यहाँ से पैदल वॉक वे है यहाँ से, तो यहाँ से चलते हैं। यहाँ से सारे लोग जा रहे हैं साइड से रिवर की। आपने वीडियोस में काफ़ी देखा होगा, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ का व्यू, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। तो ये बोट फेरी, तो अभी जो मेरा एम है, मेरा एम वहाँ पे जाना है, जो ये लंदन ब्रिज टावर दिखाई दे रहा है आपको। तो चलो चलते हैं उधर। तो ये देखिए, मैं यहाँ से अब नीचे को जो जा रहा हूँ स्टेयर्स से, और मैं उस ब्रिज से रिकॉर्डिंग कर रहा था जो ब्रिज दिखाई दे रहा आपको। और ये रिवर के किनारे, ये यहाँ से वे है जाने का, काफ़ी टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे। ये टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन है, इंटरनेशनल टूरिस्ट काफ़ी आते हैं यहाँ पे लंदन ब्रिज को देखने। तो आप ये देख लीजिए, ये बड़ी सी बिल्डिंग्स
और यहाँ का जो रिवर का पानी है ये एकदम ऐसे लग रहा है जैसे हमारे इंडिया में बरसाती पानी ही रहता है जब बरसात के मानसून के टाइम पे, तो वो मटमैला सा हो जाता है, सेम वैसे ही पानी लग रहा है। ये पानी हमेशा ही ऐसा रहता है, यहाँ का पानी ऐसे ही है इस रिवर का। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ पे गोरिल्ला स्टैच्यू, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बोट चल रही है, ये सारे टूरिस्ट वगैरह हैं। मैंने अभी तक राइड तो नहीं करी, लेकिन देखो आप ऊबर बोट, ऊबर ने इनको स्पॉन्सर कराया है या उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है इसमें या राइड इनकी ही है। तो ये देखिए यहाँ पे टूरिस्ट को, टूरिज्म को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये इन लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, और सर्विस भी अच्छी होती है, कॉस्टली होती है लेकिन अच्छी होती है। और ये देखो बिल्डिंग जो भी है, मैंने आपको भी पहले भी दिखाई थी, ये सारी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, इनमें से कुछ 5 स्टार्स होटल ऐसे भी हैं, होटल्स भी हैं, और फाइनेंस की कंपनियाँ वगैरह जैसे ब्लैक रॉक वगैरह हो गई, जेपी मॉर्गन हो गई, और बैंक हो गए, उनकी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अरे यहाँ डस्टबिन का भी है, मैं यहाँ पे अपना च्युइंगम फेंक रहा हूँ ताकि बोलने में मेरी आवाज़ थोड़ा सही आए। और ये जो फेरी का है यहाँ पे जो राइड का, उसका एंट्रेंस टिकट का यहाँ से है, कभी कुछ मौका मिलेगा तो आऊँगा, आज मेरा एम कोई और है। और यहाँ पे गोरिल्ला का स्टैचू, उसके साथ में कुछ लड़कियाँ फ़ोटोज़ लेते, और यहाँ पे फाउंटेन। और ये ब्रिटेन का फ्लैग देखिए आप, और ये ऊबर की राइड लेते हुए टूरिस्ट, और ये काफी बड़ी बोट, बोट नहीं शिप, ये इन्होंने यहीं पे इसका फिक्स्ड करी हुई है, इसे हमेशा यहीं पे खड़ी रहती है, काफ़ी बड़ी है, ऐसे लग रहा है जैसे अपना INS विक्रांत वगैरह होते हैं वैसी टाइप में कोई वॉरशिप होगी ऐसे कुछ। और अपना झंडा इन्होंने हर टूरिस्ट प्लेस में ज़रूर लगाया रहता है, जैसे हमारा आजकल हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, इनका हर टूरिस्ट प्लेस में आपको फ्लैग ज़रूर दिखाई देंगे। और यहाँ पे कोई पब है, सर।
और ये यहाँ पे नदी के एकदम रिवर साइड में काफी अच्छा व्यू। शिप काफी बड़ी है, इसमें ही इन्होंने मेरे को लग रहा विजिटिंग का कुछ है, कुछ पुराना शिप रहा होगा जो अब सर्विस में नहीं है। और देखिए वहाँ पे मेरे को लग रहा है रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, पब्स वगैरह, क्योंकि वहाँ पे टेबल लगी हैं, लोग बैठे हैं। यहाँ पे गोरिल्ला की स्टैचू, लिटर थोड़ा था, अब चलते हैं ऊपर। तो ये मैं फाइनली लंदन ब्रिज में आ गया हूँ। अब आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो फिर मैंने फिर वीडियो तो बनाए थे, लेकिन वो रात के टाइम पे इतना ढंग से दिखता नहीं है, लेकिन नाइट का व्यू एक अलग ही व्यू होता है। तो यहाँ पे देखो आप गाड़ी जाते हुए, यहाँ पे ट्रैफिक भी जा रहा है। ट्रैफिक भी जाते हुए इससे चलते हुए गाड़ी वगैरह सब जा रही हैं। काफ़ी अच्छी जगह है। ये देखिए, जूम करके दिखा देता हूँ। और ये यहाँ पे वो इंडियन बंदे अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे। बंदा पूरे ट्रेडिशनल कुर्ता वुर्ता में आ रखा है। सही है। ऊबर की बोट
यहाँ पे टिकट्स के लिए काफ़ी लाइन लगी है, लॉन्ग क्यू। और मैं अब उधर साइड जाता हूँ इसको क्रॉस करके। तो आप देख सकते हैं ये लंदन ब्रिज टावर, लंदन टावर ब्रिज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कुछ इंडियंस लोगों के साथ में फ़ोटो ली है फ्लैग के साथ, और अब मैं लंदन ब्रिज के दूसरी साइड जा रहा हूँ उधर रोड, यहाँ से सबवे है नीचे से जाने का अंडरवे पास। तो यहाँ से जाते हैं अब। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं नीचे आ गया हूँ, यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी है, और ये आप ये देख सकते हो लंदन टावर ब्रिज का नीचे वाला हिस्सा। यहाँ पे देखिए बार है यहाँ पे रिवर के किनारे पे ही। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये देखिए और यहाँ से भी एक दूसरी राइड है बोट की, यहाँ से इसका एंट्रेंस है, और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा होटल। देखिए कितनी सफाई है यहाँ पे, एक भी कचरा नहीं है, एक भी कूड़ा कुछ भी नहीं है, इतनी सफाई मेंटेन है यहाँ पे। टूरिस्ट प्लेस अट्रैक्टिव तभी होगा जब साफ सफाई रहेगी। तो ये देखो मैं जूम करके आपको ये टावर ब्रिज दिखा देता हूँ। यहाँ से पानी की स्मेल आ रही है अजीब सी, जैसे पानी सड़ जाता है ना, जैसे आपने देखा होगा बरसातों में एक पाउंड सा बन जाता है, वैसी सी स्मेल आ रही है। ये देखिए फ्लावर्स, वाह क्या अच्छा लग रहा है झूला।
और ये देखिए तो आप बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। मैंने आपको जो लंदन का जो मेन एरिया है, सबसे जिसके लिए लंदन जाना जाता है, वो लंदन ब्रिज टावर आपको दिखा दिया है। और आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। बाकी मेरी आवाज़ शायद थोड़ा लो आ रही होगी क्योंकि मैं अभी, मेरे पास कोई माइक नहीं है, मैं डायरेक्ट फ़ोन का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा आवाज़। और आप ये देखते हो नदी के उस पार भी बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है, इनको भी आप में लास्ट वीडियो के एंड में आपको एक लास्ट जगह दिखा देता हूँ यहाँ की। तो इस वीडियो में आज इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं अगले वीडियो में आऊँगा कुछ नए कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए बाय, और आप सब लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।